हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सीधा सीधा फॉर्म व्यू में ही कैलकुलेट करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा, कैसे हम ये कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसीलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। तो 2021 नहीं, इस बार 2007, ठीक है। और यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस को चूज करेंगे और कोई क्वेरी इसमें नहीं बनाने वाले हैं। खास बात यही है आज के इस माइक्रोसॉफ्ट वीडियो की कि इसमें हम कोई क्वेरी नहीं बनाएंगे। और बिना क्वेरी के चलेगा कैसे, तो देखिए कैसे चलेगा। यहाँ पर क्रिएट पे जाते हैं और जैसे क्रिएट पे जाएंगे तो ये सिनेरियो आता है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर आपको व्यू दिखाई पड़ेगा, यहाँ से आ जाइएगा डिजाइन व्यू पर। जैसे ही डिजाइन व्यू पे आते हैं तो यहाँ पर हमें टेबल का नाम देना है। तो टेबल का नाम क्या दे सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए टेबल का नाम हम वही दे देते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। ये टेबल का नाम है हमारे। अब यहाँ पर ये प्राइमरी की है, और प्राइमरी की है तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, और यूनिक होगी तो क्या होगा, यूनिक होगी तो ये होगा कि यहाँ पर यूनिक ही फील्ड आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया रोल नंबर, तो रोल लिख दिया, अंडरस्कोर नंबर कर दिया, तो ये हो गया रोल नंबर। और इसे ऑटो नंबर ही रखते हैं। यहाँ पे देखिए अन्य डेटा टाइप्स भी आपको मिल ही जाते हैं, ये मैंने पहले भी बता रखा है। यहाँ पर आते हैं तो नेम ऑफ स्टूडेंट करेंगे तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, टेक्स्ट डेटा टाइप आएगा। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, तो तीन चार सब्जेक्ट के नाम हम ले लेते हैं, लाइक कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे इंग्लिश हो गया, यहाँ पे मैथ्स हो गया, यहाँ पे ये हो गया मैथ्स, और यहाँ पे साइंस कर देते हैं, SCIENCE साइंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे SST कर देते हैं तो ये SST भी हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बनाना है हमें नंबर डेटा टाइप, ताकि कैलकुलेट करते समय हमें सुविधा हो। और ये ध्यान रखिएगा कि टेबल में कैलकुलेट हो नहीं पाएगा, क्वेरी हमें बनानी नहीं है, तो फॉर्म में ही कैलकुलेट कैसे होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं। यहाँ से नंबर इसे बना लिया है, अब यहाँ से व्यू पे कर देते हैं क्लिक। कोई टोटल का फील्ड हमने नहीं रखा है, और यहाँ पर अब नेम में नेम आएंगे और मार्क्स में मार्क्स डाल देंगे हम, जो भी कंप्यूटर इंग्लिश मैथ साइंस और SST के मार्क्स हैं। तो यहाँ नेम में हम कर देते हैं गौरव राजपूत, ठीक है, ये कर दिया। और यहाँ पर मार्क्स आएंगे तो आउट ऑफ 100 जो भी मार्क्स इनको मिले वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा नाम हेना, ठीक है, और यहाँ पर जो भी मार्क्स हैं वो यहाँ पे आप डालते चले जाइए, और ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे सुमन एक और नाम दे दिया, और यहाँ पर जो भी मार्क्स हैं वो मार्क्स हमें एंटर करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स एंटर कर देते हैं, तो ये पहला यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं ये हो गया है। अब क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करके क्या करना है, यहां से इसको क्लोज करना है, और क्लोज करके क्या करना है, क्लोज करके सीधा क्रिएट पे जाना है और फॉर्म में जाना है। तो आप देखिए फॉर्म तो बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो आप ब्लैंक फॉर्म बनाइए, या तो आप मोर फॉर्म पे जाके फॉर्म विजिट से जा सकते हैं, लेकिन इस बार हम ब्लैंक फॉर्म ही बनाते हैं। तो चलिए ये ब्लैंक फॉर्म ट्राई करते हैं। तो ब्लैंक फॉर्म पे आए तो अभी ऐसा दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से डिजाइन व्यू पे इसे लेना है। तो ये डिजाइन व्यू पे आ गए। अब हमें रोल नंबर लाइन वाइज इसको यहाँ पे ड्रैग करवाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिएगा ये साइज छोटा बड़ा करते रहिएगा, ताकि जो फील्ड नेम है और जहाँ पर आपका डेटा आएगा दोनों में डिफरेंस क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखिए ये छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, तभी तो ये क्लियरली डिस्प्ले होगा, और डिस्प्ले होगा तभी तो ये लुक सॉफ्टवेयर जैसा आएगा, ठीक है, अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर जैसा दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किया हमने, और इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा, यहाँ से जाके ये होगा, और यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे, ये यहाँ से जाके इसको ट्रैक करिएगा तो ये बड़ा मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ कंप्यूटर का मार्क्स आया, यहाँ कंप्यूटर का मार्क्स आ गया, फिर यहाँ पे इंग्लिश का आएगा तो यहाँ इंग्लिश आया, फिर यहाँ मैथ्स आएगा तो मैथ्स को ट्रैक करवा लीजिए, फिर यहाँ साइंस आएगा तो साइंस को ट्रैक करवा लीजिए। अपने हिसाब से आप इसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये टेक्निक लेते हैं तो आप अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इतना तो आ गया, नीचे टोटल करना है। टोटल कैसे किया जाए, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल जाता है। ये 2007 है, और आप सभी के आसानी के लिए 2007 पे ही बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से जाएंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, और टेक्स्ट बॉक्स लेकर के यहाँ पर इसे ड्रैग करवा लीजिए, ठीक है, ड्रैग करवा लिया। अब ड्रैग करवाते ही ये अनबाउंड आपको मिलेगा, और यहाँ पे टेक्स्ट 7 मिलेगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखिए बहुत आसान है, कैलकुलेशन बहुत आसान है फॉर्म में। देखिए कैसे, यहाँ पर प्रॉपर्टी पे जाना, ये प्रॉपर्टी दिख रहा है, यहाँ पे चले जाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये टेक्स्ट 7 जो नजर आ रहा है इसको चेंज कर देते हैं हम, इसे क्या कर देंगे, इसे नाम दे देंगे टोटल मार्क्स, ठीक है। तो ये कर दिया टोटल मार्क्स, ठीक है ना, और यहाँ पे इस तरीके से टोटल मार्क्स कर दिया है।
और ये जो फील्ड है इसको भी नेम हम दे देंगे, इसका भी नेम हम चेंज कर देंगे, टोटल मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आ रहा है कैप्शन, यहाँ पे जाके इसे चेंज कीजिए टोटल मार्क्स, तो टोटल हो गया एम ए आर के एस, मार्क्स कर देंगे यहाँ पे एम ए आर के एस, ठीक है। तो टोटल मार्क्स यहाँ भी हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं दोनों का यहाँ पे भी टोटल मार्क्स और यहाँ पे भी टोटल मार्क्स, ये हो चुका है। अब हमें अनबाउंड वाले बॉक्स पे जाना है, ये जो बॉक्स बना हुआ है अनबाउंड, यहाँ पे जाना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ कंट्रोल सोर्स नजर आएगा, तो ये थ्री डॉट जो बने हैं इस पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको नजर आएगा एक्सप्रेशन बिल्डर, यहाँ पर आ जाइएगा। अब हमें करना क्या है, हमने ऑलरेडी फील्ड नेम बना रखा है तो हमको अलग अलग सब्जेक्ट के नाम ही तो चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम कंप्यूटर ले लेते हैं, तो ये कंप्यूटर का मार्क्स हो जाएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए डबल क्लिक करने पे लेवल थ्री आ रहा है। तो डबल क्लिक ना कीजिए आप, सीधा सीधा मार्क्स ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंटर, जो सब्जेक्ट के नाम है वही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंटर करते जाइए। ये भी ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर ब्रैकेट ही होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो ये कंप्यूटर हो गया, प्लस का निशान लगाइए। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, तो ई एन जी एल आई एस एच इंग्लिश हो गया। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तीसरा जो सब्जेक्ट है नीचे आएंगे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे तीसरा सब्जेक्ट आपको मैथ्स मिल रहा है, तो यहाँ पे एम ए टी एच एस मैथ्स कर दिया। और चौथा इसी तरीके से सब्जेक्ट हम देते चले जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको बंद रखेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का निशान लगाया, फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे एम ए टी एच एस मैथ्स कर दिया, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर साइंस करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया एस सी आई ई एन सी ई साइंस, तो ये हो जाएगा साइंस, ठीक है। और इसको बंद करेंगे तो देखिए कितने सब्जेक्ट हुए, एक दो तीन चार पाँच, तो ये पांच सब्जेक्ट हो गए और यहाँ से ओके कर दीजिए, ये काम हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड हर बार मैं चेंज कराता हूँ। और यहाँ पर अगर फॉर्मूले को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस किस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, यहाँ पे दो बार मैथ्स हो गया, ठीक है। तो ये कई बार लिखिएगा आप, मैंने जैसे गलती करी है वैसे आप गलती मत कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दो बार मैंने मैथ्स लिख दिया है, तो दो बार तो होगा नहीं, एक बार कंप्यूटर होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, साइंस होगा और एसएसटी होगा लास्ट, ठीक है। तो ये दो बार मैथ्स वाली गलती मत कीजिएगा। सीक्वेंस आप इधर उधर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैथ्स आया है ना तो यहाँ पर आप एसएसटी कर सकते हैं, ठीक है। भले ही एसएसटी बाद में आया हो तो उससे मतलब नहीं है। तो देखिए ये सीक्वेंस इधर उधर कर दिया है बस, बाकी सारी चीजें तो सेम है। अब यहाँ से आपको तो पहले तो जो कलर कहा था कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से ये कलर चेंज करता हूँ और यहाँ से इसे डार्क बनाऊंगा। डार्क बनाने पे ये रहेगा कि साफ साफ सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो ये डार्क कर देता हूँ एकदम ब्लैक कलर में, ठीक है। अब ये हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये टोटल मार्क्स भी कैलकुलेट होकर आ रहा है। देखिए ये टोटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे नीचे ये टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप और भी चाहते हैं, लाइक एवरेज चाहते हैं, तो एवरेज तो आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता ही है, कई बार मैं बता चुका हूँ कि इसे कैसे करना है, एकदम आसान है, ठीक है। तो आसानी के साथ आप कर भी लेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ से आप जाइए वापिस से टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स चूज किया और यहाँ पर इसे ड्रैग करवाइए, इस तरीके से ड्रैग करवा लिया हमने, ठीक है। अब ड्रैग करवाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट नाइटन में जाके सही कर लीजिए। यहाँ पे मैं एवरेज करता हूँ, एवरेज, ठीक है। ये एवरेज किया हमने और ये अनबाउंड पे जाऊंगा और अनबाउंड पे जाके यहाँ पे नेम में जाके और यहाँ पर एवरेज कर लेंगे, ए बी ई आर ए जी ई, ठीक है। तो एवरेज इस तरीके से कर दिया हमने और यहाँ पर ये कैपिटल रहेगा, इस तरीके से एवरेज कर दिया है। और अब यहाँ पर क्लिक करके और कंट्रोल सोर्स पे जाना है और कंट्रोल सोर्स पे जाने के बाद यहाँ थ्री डॉट्स पे जाना है और थ्री डॉट्स पे जाने के बाद यहाँ पर अब एवरेज कैलकुलेट करना है। देखिए एवरेज जो हमारा टोटल में ही छिपा होगा तो यहाँ पे टोटल को नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए कितने सब्जेक्ट हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच है तो पाँच से इसे डिवाइड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे टोटल भी होता हुआ नजर आएगा एवरेज, ठीक है। अब देखिए ये नेम एरर करके आ रहा है, इसको एक बार चेक करते हैं। टोटल मार्क्स है यहाँ पे, इसी वजह से ये दिक्कत हुई। तो यहाँ देखिए टोटल मार्क्स करना चाहिए हमें, तो गलती होगी, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके और एम ए आर के एस, तो टोटल मार्क्स हो जाएगा ये। और जब जैसे ही टोटल मार्क्स ये बनेगा तो अब आसानी के साथ ये कैलकुलेट करेगा। और एक काम करता हूँ, इसे भी उसी फॉर्मेट में बना देता हूँ, यानी बोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ से अब देखिए, अब ये जो है एवरेज भी कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सीधा फॉर्म में ही कैलकुलेट करने की सुविधा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी शीट पे जाके हम फॉर्म चूज करेंगे। ये देखिए ये जो फॉर्म इसमें दिखेगा, यहाँ देखिए यहाँ पे फॉर्म भी आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो आपको फॉर्म दिखाई देगा इसके अंदर, ये देखिए ये रहा ठीक है। और जैसे ही फॉर्म आता है तो आप यहाँ पर ये पॉपअप को यस करिएगा और यहाँ पे मॉडल डायलॉग को चाहे तो यस कर सकते हैं। और यहाँ से जाएंगे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सिचुएशन बनेगी, ये देखिए ये आपका फॉर्म है। अब इसमें जब भी डेटा एंट्री करनी होगी, नीचे बटन्स भी बना सकते हैं आप, बटन्स बनाना तो और आसान है, लेकिन जब भी डेटा एंट्री करनी होगी तो यहाँ पर आप जाके डेटा एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड फिल करना है तो आप सीधा ही यहीं से कर सकते हैं, हालांकि आपको जाना चाहिए टेबल में, लेकिन चलिए यहाँ पे एक और डेटा एंट्री कर देते हैं। जैसे मैं अपना ही नाम भर लेता हूँ इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने भर दिया, रोल नंबर तो अपने आप आ रहा है ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से मार्क्स दे दिया हमने ठीक है, और यहाँ पे SST में मार्क्स आ जाएंगे, और जैसे ही आएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आप देखिए ये टोटल भी हो गया इस तरीके से ठीक है। अब यहाँ से इसको सेव कर लेना है, तो यहाँ पे जैसे ही इसको बंद करने जाएंगे, यस करेंगे तो ये सेव भी हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्म वन के नाम से आ रहा है, स्टूडेंट एफ कर देते हैं, स्टूडेंट एफ तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये स्टूडेंट एफ से सेव हो जाएगा। अब आप फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे ये होगा ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।